हमें अब आने वाले समय में क्या करना है। जब मैं आपको 2012 और 13 और 14 के टाइम में आपको मैं बताता था, जब आप बीजों को बोते थे येलो पेपर में, आपको याद होगा, तो मैं आपको बताया करता था कि आने वाले समय में हम इस तरह से बीजों को नहीं बोएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा कर दिया करेगा। तो उस समय मैं बोलता कि आप जो बीज को बो रहे हो, ये बीज आप सिर्फ बीज नहीं बो रहे हो, आप एक बड़ी बेदारी में एक हिस्सा डाल रहे हो। ये जस्ट उसका छोटा सा एक रीजन है कि हमें एक जगह पे बैठना है, तो वो जगह हमें चाहिए। लेकिन अब आप देखते हो बहुत महीनों से आपने वो बीजों वो वाले बीज को नहीं बोया होगा, अब अपने रेगुलर टाइथ को ऑफरिंग को बीजों को बोते हैं। अब जो परमेश्वर आपसे चाहता है, ये शुरुआत होगी कल सुबह 6 बजे से, मॉर्निंग मंडे मॉर्निंग 6 o'clock इंडियन टाइम मॉर्निंग 6, ओके। बाकी जिस भी देश में आप हो, अपने देश का 6 बजे मंडे आप नोट कर लो। हम एक साल के लिए, याद रखो मैं आपको सच कह रहा हूं, खुदावंत का दास हूं, खुदावंत की प्रेजेंस में मैं बैठा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपने ये वर्ड फॉलो किया, आप अपनी लाइफ की सेटलमेंट सदा के लिए कर लोगे, इन समय सदा के लिए बंधन फिनिश होंगे, सदा के लिए आप खड़े कर दिए जाओगे, सदा के लिए आपके आपके मसले सदा के लिए हल होंगे। एक साल कल सुबह मॉर्निंग से, कल सुबह सोमवार 6 बजे से प्रार्थना शुरू होगी खांबरा चर्च में, और 365 दिन हम लगातार उस प्रेयर को करेंगे, डे एंड नाइट। वो प्रेयर फास्टिंग में होगी और मॉर्निंग 6 प्रार्थना का महाउत्सव शुरू हो जाएगा। एक साल चलेगा और खुदावंद सब कुछ बदल देगा, इन जीसस ने सब कुछ बदल देगा सब कुछ जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आमीन। वो अपने लोगों के लिए खड़ा होगा, वो आपके लिए खड़ा होगा, मसलों को हल करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये आनंद आप पे हमेशा बना रहे।